मध्य प्रदेश में चुनावी साल में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर दास यादव के बिगड़े बोल देखने को मिले। मुंगावली में कमलनाथ संदेश यात्रा के कार्यक्रम में मंच से प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर दास यादव ने राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को मच्छर कहा, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुर्गा बनाने की बात कह दी। साथ ही उन्होंने सिंधिया को कांग्रेस की भूल बताते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी कर दिया। दरअसल अशोकनगर जिले में कमलनाथ संदेश यात्रा लेकर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष दामोदर दास यादव ने मुंगावली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस सिंधिया को हमने महाराज बनाकर रखा था उन्होंने उन्हें भाई साहब बना दिया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर दास यादव ने कहा, मैं नरोत्तम मिश्रा को चैलेंज करता हूँ, 25 तारीख को दतिया में अपनी यात्रा का समापन करूंगा, वहीं नरोत्तम मिश्रा की राजनीति का समापन होगा। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी करने वालों सुन लो, जब हम तुम्हारे नरोत्तम को मच्छर समझते हैं तो यहाँ के मंत्री संतरी को हम बोलने लायक भी नहीं समझते। सिंधिया को हम कांग्रेस में महाराज बनाकर रखे हुए थे, लेकिन ये कांग्रेस की भूल थी। जो व्यक्ति राजा की सेना में भर्ती होने लायक भी नहीं था, वहीं यादव ने कहा कि सिंधिया पर क्या बोले, जब चाहे उसे तो मुर्गा बना देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।